नूरपुर की पंचायत खनी झिकली में एक 45 वर्षीय व्यक्ति द्वारा पिछले 1.5 महीने से 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बच्ची गांव के ही स्कूल की 4थी कक्षा की छात्रा है और निर्धन परिवार से संबंध रखती है। बच्ची का पिता दिहाड़ी मजदूरी करता है तो मां गृहिणी है। गांव के ही व्यक्ति द्वारा दरिंदगी का शिकार हो रही इस अविरोध बच्ची, शायद ये इलम है कि इसके साथ इतनी छोटी उम्र में ये क्या हो रहा है। बच्ची के परिजन भी इस बात से अनजान थे कि उनकी बेटी पर गांव के ही एक दरिंदे की बुरी नजर पड़ चुकी है, लेकिन 20 सितंबर को परिजनों पर भी मानो उस समय ब्रसपात हो गया जब उतक आरोपी तौफीक के बहाने उनकी लाडली को दरिंदगी का शिकार बनाते रंगे हाथों पकड़ा गया। घटना को लेकर जिला परिषद दयाल सिंह बिट्टा ने गहरा रोष व्यक्त किया और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। हमें तो इस बात की बहुत शर्मिंदगी है कि हमारे गांव में ये ऐसा पहला काम हुआ है। मैं बाहर से पूना से अभी पहुंचा, मैं देखा गांव में पुलिस खड़ी है और दोषी को पकड़ा हुआ था उन्होंने और दोषी से पूछताछ कर रहे हैं और दोषी ने भी माना कि ठीक है जी मेरे से गलत काम हो गया है। तो देखो जी, छोटी सी बच्ची है, 4थी क्लास में पढ़ती है, तो बहुत शर्म दी हमें और हमें पुलिस से अपील करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। बच्ची के पिता द्वारा आरोपी के खिलाफ दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि आरोपी उनकी मासूम बच्ची से पिछले 1.5 माह से दरिंदगी कर रहा था। नूरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और बच्ची का मेडिकल करवाने के लिए भेजा गया है। घटना नूरपुर क्षेत्र की पंचायत खनी झिकली की है, जिसमें बच्ची के पिता द्वारा पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उनके ही गांव खनी झिकली का प्रेम कुमार उर्फ टीचू पुत्र त्रिलोक चंद उनकी बच्ची को करीब 1.5 माह से बहला फुसला कर हवस का शिकार बनाता रहा है। आरोपी ये वारदात बच्ची के स्कूल में आने जाने के दौरान करता था। बच्ची के पिता के अनुसार 20 सितंबर को उनकी बेटी स्कूल गई थी, जब वो दोपहर को घर आ रही थी तो उस समय प्रेम कुमार ने बच्ची को बहला फुसलाकर एक सुनसान मकान में ले गया जहां वो बच्ची के साथ दुष्कर्म को अंजाम दे रहा था, तो उसी दौरान उतक आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया। बच्ची के पिता के अनुसार उनकी बेटी ने उन्हें बताया कि उतक आरोपी पिछले कई दिनों से टॉफी और अन्य खाद्य पदार्थों का लालच देकर उसके साथ दुराचार करता आ रहा है। नूरपुर के एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि परिजनों ने पुलिस थाना नूरपुर में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है तथा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और बच्ची का मेडिकल करवाया जा रहा है। थाना में सूचना मिली कि गांव निचली में जो है वो कोई घटना घटी है, कोई रेप ऐसी घटना घटी है। जैसे हम मौके पर पहुंचे तो यहां पर गांव खन्नी निचली में तारा सिंह केर सिंह ने बयान किया कि उसकी लड़की जो 20 तारीख को जो है वो स्कूल गई थी और दोपहर के समय जब वापस घर आ रही थी तो रास्ते में इन्हीं के गांव के प्रेम चंद त्रिलोक सिंह ने उसे टॉफी का बहाना देकर ले गया, सुनसान घर में ले गया और वहां उसके साथ गलत काम किया है। इसके बयान पर हमने जो है वो उसके प्रेम चंद के साथ दर्ज किया है और तब्दील जा रही है। अब बच्ची का मेडिकल करवा कर जैसा भी आगे तफ्तीश होगी वो ऑनलाइन जा रही है।